दोस्तों मैं हूं अमृतिमान और आज मैं पहुंचा हूं साई मशीनरी मिर्जगांव महाराष्ट्र में। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेनफोर्स 825 मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिसे दोस्तों मिनी थ्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस थ्रेशर को 22 HP से का ऊपर का ट्रैक्टर जो आसानी से इस थ्रेशर को चला सकता है। दोस्तों जो आप बड़ी थ्रेशर देखते हो, वो बड़ी थ्रेशर की सुविधाएँ आपको मिनी थ्रेशर मिनी 825 रेनफोर्स 825 में मिलने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों नई आ रही मशीनों की जानकारी सबसे पहले विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल पे मिलती है। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपके इसके बैक साइड टोकरी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो आप बैक साइड टोकरी देख रहे हैं, इसमें जो बड़ी थ्रेशर में आपको देखते हो, आगे और फॉरवर्ड और रिवर्स का सिस्टम देखते हैं, वो भी आपको यहाँ से आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ से, इसमें दोस्तों साइड पर गियर लगा हुआ है, वो नीचे आप देख सकते हैं, इसमें साइड में गियर दिया गया है। इसके इससे दोस्तों क्या होता है, अगर आप इसको फॉरवर्ड चलाना चाहते हो फॉरवर्ड चला सकते हो, अगर आप इसको पीछे बैकवर्ड चलाना चाहते हो, पीछे करना चाहते हो तो इसे पीछे भी कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें साइड में हमें एक्स्ट्रा लीवर मिलता है, इसका ये काम रहता है, अगर आपकी फसल को ट्रैक्टर लोड ले रहा है तो आप यहाँ से अपनी बकट को रोक सकते हैं, यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं और इसको आगे उसके बाद इसको चलाना हो तो इसको नीचे करके इसको चला सकते हैं। दोस्तों कई बार फसल ज़्यादा गिल्ली हो, आपको दिक्कत लग रही है, तो कंपनी ने इसमें फोल्डिंग सिस्टम दिया है। आप देखो यहाँ से आपको खोलकर इसको जो ऊपर अगर कोई आपने रिपेयरिंग करनी है या कुछ चेंज करना है आगे, कुछ आपको दिक्कत आती है आगे, तो आप यहाँ से खोलकर उसका काम वगैरह कर सकते हो। और दोस्तों अगर कई ट्रैक्टर लोड लेने के बाद आप उल्टी करवाना चाहते हो, यहाँ से उल्टी करके माल को दोबारा ट्रॉली में आ जाता है, दोबारा फिर जो थ्रेशर है वो वर्किंग में रहता है। और पीछे आप देख सकते हो दोस्तों, अच्छे बढ़िया लाइटें दी गई हैं, इसकी डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बड़ी डिज़ाइनिंग तैयार की गई है। और किसान भाइयों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं इसमें जो बैरिंग लगे हुए हैं, जितने भी बड़े थ्रेशर में आप बैरिंग देखते हो, वो बड़े छोटे थ्रेशर में आपको बड़े बैरिंग देखने को मिलेंगे, अच्छे बढ़िया कंपनी के इसमें बैरिंग दिए गए हैं। जैसे दोस्तों मैं पहले आपको गियर के बारे में बता रहा था, वो आप देख सकते हैं साइड में हमें गियर मिलता है और बढ़िया इसमें बेल्टें लगी हुई हैं, डबल डबल बेल्टें हैं, डबल बेल्टों के पास एटल लगे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके व्हील के बारे में, इसमें हमें 3 व्हील मिलते हैं। दोस्तों इसका बेनिफिट क्या रहता है व्हील का, जैसे दोस्तों आपका 25 HP का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को चलाते हैं तो जो इसका व्हील है, इसका वेट है जो काफ़ी ज़्यादा रहता है, एक बार जिसके चक्कर बन जाते हैं तो ट्रैक्टर का लोड है जो बहुत कम हो जाता है, और डीजल की खपत है दोस्तों फसल के हिसाब से आपकी बहुत कम होगी इस थ्रेशर से पंजाब रेनफोर्स में, क्योंकि इसमें 3 व्हील दिए गए हैं और इसमें 4 फैन दिए गए हैं। दोस्तों फैन आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 फैन 2 फैन और पीछे आप देख सकते हो 2 साइड फैन, इस साइड 3 फैन, इसमें 3 फैन आपको मिलने वाले हैं, एक आपको यहाँ से मिल जाएगा फैन, 3 फैन दिए गए हैं। इस फैन का जो काम रहता है फसल की सफाई के लिए है, आप फसल की सफाई कर सकते हैं। और इस साइड में आपको दोबारा फिर दिखाना चाहता हूँ कि जो भी कई बार कचरा वगैरह होता है उसकी द्वारा सफाई के लिए एलिवेटर मिलता है। दोस्तों इसमें एलिवेटर लगा हुआ है, वर्म सिस्टम लगा हुआ है, इससे जो जो कचरा वगैरह होता है वो फिर टोकरी में चला जाता है और टोकरी में फिर से सफाई के लिए थ्रेशर में ड्रम में चला जाता है। और अगर आप जाली वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसमें जाली चेंज करना बहुत आसान है, आप यहाँ से इसको नीचे कर जाली को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और आप अगर आप दोस्तों हवा का चक्कर कम ज़्यादा करने हो तो आप वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। जी देखिए ये फैन सिस्टम दिया गया है दोस्तों, इसको आप अगर आप बंद भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, एक एक साइड से हवा अपना भूसा वगैरह जो आ रहा है उसको फेंकना चाहते हो एक साइड से फेंक सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ से इसको भी खोल सकते हैं। और इसमें बढ़िया फिल्टर दिया गया है दोस्तों, फिल्टर की भी सेटिंग दी गई है। एक दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आपको चाबी पाना उठाने की ज़रूरत नहीं है, पंजाब रेनफोर्स 825 मॉडल में चाबी पाना उठाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वैसे तो रेनफोर्स के जितने मॉडल हैं किसी में भी चाबी पाना उठाने की ज़रूरत नहीं है, मगर पंजाब रेनफोर्स में जो इस मॉडल में दिखा रहा हूँ इसमें भी आपको चाबी पाना उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी की सभी सेटिंग हाथ से कर सकते हो आप आसानी से। और इसमें कंपनी दोस्तों 3 जाल दे रही है एक्स्ट्रा फसल के हिसाब से, और 2 जाल आपको जी नीचे वाले मिलेंगे जो आप फसल के हिसाब से निकालना चाहते हो फसल को। और आगे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका ट्रैक्टर छोटा है चाहे बड़ा है उसके हिसाब से हुक फिट करनी है तो आप ये हुड आपको उसके हिसाब से फिट कर सकते हो, चक्कर कम ज़्यादा करनी हो तो आप यहां से चक्कर कम ज़्यादा कर सकते हो बेल्ट को ऊपर नीचे कर फसल के हिसाब से अकॉर्डिंग। और दोस्तों अगर आप पंजाब का रेनफोर्स थ्रेशर लेना चाहते हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं
तो साई मशीनरी मिर्जगाम के नंबर हैं जो महाराष्ट्र के नंबर हैं, अगर आप महाराष्ट्र में लेना चाहते हो साई मिर्जगाम महाराष्ट्र के नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर संपर्क करके इस थ्रेशर को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।